बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है ऑमलेट पराठा, जो बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको सहरी में भी ले सकते हैं। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। एक अंडा, एक चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, एक चाय का चम्मच जीरा, नमक हस्बे जायका, आधा प्याज बारीक चॉप हुआ, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी गाजर बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ। अब अंडे में सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। पहले प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया, नमक, जीरा, सुर्ख मिर्च। मैंने पराठा बड़ा बनाना है, इसलिए मैंने आधा अंडा और डाल लिया है। अब आटे का पेड़ा कर लेंगे। आप मैदे का पराठा भी बना सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। अब पराठे के ऊपर हुशका छिड़केंगे और बारीक सी रोटी बेल लेंगे। अब इसके ऊपर घी लगा लेंगे। अब दोबारा खुश्का छिड़केंगे ताकि पराठा खस्ता बने। अब पिज्जा कटर से कट कर लेंगे। अब इसको रोल करेंगे और एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रोल करते जाएंगे। पराठे को हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि पराठे के बल ना खत्म हों। अब पराठे के ऊपर अंडा डालेंगे। अंडा हर जगह बराबर का डालेंगे ताकि पराठा कहीं से मोटा ना हो, और अंडा डालते हुए चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे ताकि पराठा जल ना पाए। साइडों पे घी डाल देंगे। अब पराठे को पलट लेंगे। साथ साथ हम पराठे को घुमाते रहेंगे। ताकि अंडा अच्छी तरह से पक जाए। अब दोबारा घी डालेंगे। अब दोबारा से पराठे को पलट लेंगे। अंडा देखें बिल्कुल सही से और अच्छी तरह पक चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार ऑमलेट पराठा तैयार है। इसको पिज़्ज़ा कटर से कट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ना कट करें, जिस शेप में कट करना चाहें कट कर लें। मैं तो इसको दही के साथ खाती हूँ। आप किसी भी रायते के साथ या चटनी के साथ ले सकते हैं।
Thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon.